अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी उस डॉक्टर रूपा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? गुड, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ऑल गुड। स्टार्ट करें सीधा सीधा डायरेक्टली जनाब। हमारे साथ चैलेंजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसर अली। मेरे साथ हैं मोहम्मद यासीन। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी फैसलाबाद से। और क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ वीविंग फैक्ट्री में। ओके, जिनिंग फैक्ट्री में। वीविंग, लूम वीविंग, वीविंग। अच्छा, तो आज आप यहाँ पर कसौटी के लिए आए हैं या फिर आप लाहौर में रहते हैं? नहीं, स्पेशली कसौटी के लिए आए हैं। ग्रेट, वाह जी वाह। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू द शो जी। ठीक है आंसर साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नो। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नो। इंडिया से? जी। आंसर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 1973 से पहले 100 साल से ज्यादा? जी। 1923 से पहले 300 साल से ज्यादा? नो। 1723 के बाद? 1723 के बाद 200 साल से ज्यादा? भाई जंगे प्लासी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ अभी ये है 300 साल से कम। 300 साल, 1723 से 1923 के दरमियान, तो ये इसको कम करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। इससे कम है? अच्छा, इन्होंने क्या कहा? नहीं सर, उससे कम है ना। 1723 से 1923 के दरमियान 200 साल का पीरियड। हाँ आंसर साहब, इनके इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 200 और 300 के दरमियान? 1723 से 1823 के दरमियान। 18 यानी ये इन एनी केस जंगे आजादी से पहले की और जंगे प्लासी। 10 सवाल। कोई मुस्लिम शख्सियत पहले तो ये पूछा जाए। जी आंसर साहब, शख्सियत मुसलमान है? जी। ताल्लुक अब सियासत और हुकूमत ही होगा, और क्या? कॉलर भी हो सकते हैं लाइक शाह वलीउल्लाह। हाँ शाह वलीउल्लाह का ये यस एग्जैक्टली यही बनता है। नहीं वो पहले की है, शाह वलीउल्लाह पहले की शख्सियत। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी। वो जंगे प्लासी वाला, आप आ जाइए बंगाल की उसके साथ कंपनी के साथ फड्डा रौला। टीपू सुल्तान का भी यही मीर जाफर है। टीपू सुल्तान इससे पहले की है, 1790 है ना वो, ये उससे पहले। 1723 से 1823 उसी में आते हैं। 18th सेंचुरी। मीर जाफर, मीर सादिक, ठीक। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, हैदर अली। यस। और ताल्लुक बंगाल से या मैसूर से? ये दो सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन है उस दौर में। ताल्लुक रियासत मैसूर से है? जी। ओके, ये शख्सियत इन्फेमस है, मतलब है कि बुरी शोहरत की हामिल नाम? नो नो। हैदर अली? हैदर अली या टीपू सुल्तान? मोस्ट प्रोबेबली हैदर अली, प्रोबेबली यस। वाली मैसूर, वो दोनों वाली थे ना? दोनों वाली थे। आउट टू रीच। ओ क्या वो शख्सियत जिनका मशहूर मकूला है? जी अंसर साहब, एक शख्सियत जिसके साथ एक मशहूर मकूला मंसूब है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। No. Then it is Hyder Ali. Yes. तो क्या इस शख्सियत के वालिद थे? जी। ओके, हैदर अली पूछा आपने? जी सर। जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान अमीन फ्रॉम बुरेवाला। मोहम्मद रिजवान फ्रॉम बुरेवाला। रिजवान साहब, आपके साथ कौन है? फैसल इमरान। रिजवान एंड फैसल? यस सर। बोथ फ्रॉम बुरेवाला? यस सर, बुरेवाला। बुरेवाला के बारे में कहा जाता है जी वहाँ पे तालीम का बहुत रुझान है, कितने परसेंट लिटरेसी होगी वहाँ पे? सर 97। 97? नहीं यार, 97 नहीं होगी। 90 भी हो तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, अनबिलीवेबल है। बुरेवाला को ना सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, 90 के करीब है, 97 नहीं कह सकते तो 90 के, तो 90 के करीब है, तो बड़ी बात है। जी बड़ी सर, यस। और सिटी ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। इट हैज प्रोड्यूस्ड सम गुड स्पोर्ट्समैन। यस सर।
वकार यूनुस यस सर एंड सलीम शेरवानी आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हॉकी प्लेयर जो थे फॉरवर्ड मोहम्मद इरफान थे मोहम्मद इरफान आल्सो अच्छा तोनसा के बारे में भी कहा जाता है कि वहां पे भी लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है हां जी बुजदार साहब को देख के लगता है अच्छा जनाब शख्सियत मर्द है यस सर जिंदा यस सर एशियाई यस सर ताल्लुक जनूबी एशिया से यस सर तो पर्सनैलिटी पहले हो चुकी है अच्छा यार पहले पांच छह सर आप बातें शुरू कर देते हैं उसके बाद फिर कोई नुकसान नहीं हुआ नो लॉस ताल्लुक पाकिस्तान से यस सर ऑल फाइव जीज जी सर अच्छा जी शोभा स्पोर्ट्स गुड स्पोर्ट्स से ताल्लुक यस सर वाह अगला सवाल पता क्या बनता है ताल्लुक बुरे वाला से ताल्लुक जिला पिहाड़ी से है ये बनता था अरे एक दोस्त का वहाँ एफएम स्टेशन है एबटाबाद इस्लामाबाद एंड विहाड़ी विहाड़ी में पाकिस्तान की प्रॉबेबली सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी वाक्य है इसकी है ये झंडीर 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 लाइब्रेरी जिसमें 3 लाख से जायद किताबें हैं किसने बनाई थी जी ये झंडीर साहब थे 1900 में इन्होंने इसका बुनियाद तो अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसको नो सर होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आई नो माई गवर्नमेंट यस ओके वहां से 2-4 बड़े शानदार लोग हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के खिचीज मसलन एक यस सर खास तौर पे जो सेक्रेटरी CNW थे क्या उनका नाम था क्या खिची वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग अ गुड ऑफिसर एंड अ ग्रेट हंटर आल्सो उनके अजीज भी एक और खिची भी हैं बड़े लाजवाब लोग हैं बाकी बड़े पढ़े लिखे और भाईजान दौलताना साहब कम्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट यस सर हमारी बहन तमीना दौलताना आल्सो यस सर फिर सईद मनहेस यस सर कैसे कैसे हैवी वेट्स हैं अच्छा जी जाइए पंजाब से ताल्लुक यस सर जनूबी पंजाब जाओ जनूबी पंजाब ही में काउंट करते हैं ना आप बुरे वाला और बिहार जी 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 जनूबी पंजाब है जनूबी पंजाब से ताल्लुक यस सर ओके इज ही अ क्रिकेटर नो सर हॉकी प्लेयर हॉकी प्लेयर भी होगा और एक और मैं आपको बताऊं दैट गाय दैट जेवलिन थ्रोर ही आल्सो कम्स फ्रॉम साउथ पंजाब चीचा वतनी से जरा सा मियां चन्नू शायद सर 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 तो और शख्सियत पहले हो चुकी है इन्होंने बताया ये मेरे लिए एक खबर है हमने वो जेवलिन थ्रोर पहले किया हुआ नहीं आई डोंट थिंक सो वो तो नहीं किया हुआ तो इट इज नॉट हिम एक स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेटर नहीं है और साउथ पंजाब का हॉकी प्लेयर होगा हॉकी प्लेयर्स में शेरवानी बेस्ट है सलीम शेरवानी कमाल का फॉरवर्ड द मैन हु हैड टू लीव बिकॉज ऑफ स्मोकिंग वेरी पिटीट टाइनी बट वेरी फास्ट लाइक अ पैंथर हमारा भी एक वो होता था नसीम हॉकी खेलता था वो नहीं नहीं न्यू नसीम वाज अ क्रिकेटर फास्ट क्रिकेटर अच्छा हां ही वाज टॉल गाय वो छोटे लेवल का रावलपिंडी एक्सप्रेस था मैंने उसकी बॉलिंग खेली हुई है ओके ये जी जानता है कि उसको खेलना एक वो और एक वो क्या था वो बड़ा खुश शक्ल सा बहावलपुर का जो बहावलपुर के 3-4 लड़के थे ना बड़ा तारिक वो जो सादिकियंस थे तारिक हमीद अच्छा जिसका जंबो बैट था एसएस का बैट था तारिक हमीद ही था बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं 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 मुझे ये मुझे नहीं पता बीए कर रहे थे बीए अच्छा। में वो भी और अयूब तारिक ये मेरे कजन के रेफरेंस से हमारे दोस्त बने थे सादिकियंस ओके वेरी फाइन बैट्समैन एंड अ वंडरफुल बॉलर बहुत ही तेज बॉलर पिछले दिनों वहाँ भावलपुर का था कि एक हॉकी के प्लेयर का मुजस्मा लगाया गया तो उसकी ऐनक चोरी हो गई भाईजान वो था समीउल्लाह उसकी हॉकी चुरा ली थी उसके बाद फिर उन्होंने बाढ़ लगा दी वो सारी ब्यूटी खत्म हो गई अच्छा जनाब इधर आइए अब हॉकी के मुझे तो अब ज्यादा पता नहीं है और तुम्हें तो उक्का ही नहीं पता क्योंकि हो सकता है शेरवानी के अलावा और बहुत सारे शहबाज जूनियर बड़ा बाकमाल प्लेयर था और भी अब्बासी ऑल्सो कम्स फ्रॉम आई थिंक साउथ पंजाब शुड बी फ्रॉम बहावलपुर
मुझे तो बिल्कुल ना होने नहीं लग रही है. द सेविंग ग्रेस इज दैट दिस पर्सनालिटी हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड. ओह या दैट इज रियली अ ब्रीदर. फिर ये अपना सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह कलीमुल्लाह में से. अच्छा जनाब, इनका ताल्लुक बहावलपुर से है? यस सर. देयर यू गो. इज ही नोन एज अ फ्लाइंग हॉर्स? यस सर. आपने समीउल्लाह पूछा. यस सर. जी सर, अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं वलीद. अस्सलाम वालेकुम वलीद. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आपके साथ कौन है? मेरे साथ फैसल इमरान बाजवा भाई हैं. द वलीद का करें क्यों जी? हाँ, द वेटरन. तो पर्सनालिटी पहले हो चुकी हैं? हो चुकी. यू आर रनिंग आउट ऑफ पर्सनालिटीज. सर, आई डोंट लाइक दिस थिंग. हमें नहीं बताना चाहिए. शख्सियत मर्द है जनाब? जी सर. जिंदा? जी सर. एशियाई? नो सर. एशिया से निकल गए हैं जी वलीद साहब. शुक्र है. ये आज पहली पर्सनालिटी है जो एशिया से निकली. ताल्लुक एशिया से नहीं है जनाब. तो गोया ताल्लुक अमेरिका से है? जी सर. रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका? जी सर. ओके. यूएसए. शख्सियत जो जिंदा है? एक जिंदा अमरीकी मर्द. शोबिज से ताल्लुक? नो सर. सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर. स्पोर्ट्स से ताल्लुक? नो सर. बिग बिजनेस से ताल्लुक? नो सर. इन्फेमस पर्सनालिटी. हमने इल्मो फजल पूछा ही नहीं भाई. मेरा ख्याल है जी कि ये उधर जा रहा है खुरा. वो जो साहब नहीं थे स्नोडन? स्नोडन का ताल्लुक इल्मो फजल से है. एक एक बंदा जो है, एक तो ऑस्ट्रेलियन है. हाँ. उसका नाम क्या है? भागे हुए हैं जो. हाँ, दो हैं. एक स्नोडन है, दूसरा डिसांज. हाँ, लसांज डिसांज क्या. तो ये स्नोडन की तरफ मेरे ख्याल में जा रही है जी बात. ताल्लुक इल्मो फजल से है? जी सर. दस सवाल. कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी? हाँ. एक मतनाजा शख्सियत है? नो सर. नो. इल्मो फजल से है ताल्लुक. अमरीकी शख्सियत जो हो चुकी है और जिंदा है. इल्मो फजल से मुतालिक जो अमरीकी शख्सियत जो हो चुकी है ना, उनमें एक कवि हो सकता है. वो फौत हो गया. किव कवि इज डेड. अच्छा. एंड दिस गाय हिस्टोरियन इज डेड. व्हिच वन? ये जो है जिसकी बीवी बहुत बड़ी राइटर थी. एंटन? एंटन क्या उसकी बीवी का नाम है? ये था. अच्छा, स्टीव कोहन जो है वो तो ही डाइड रिसेंटली. 21 था ये? 20. लेकिन ये जिंदा है ना पर्सनालिटी? जी सर. ये तो जिंदा है. मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि विल ड्यूरान. हाँ, वो पुरानी है. 70s में उनकी डेथ हुई. 70s में डेथ. कौन सी अमरीकी पर्सनालिटी है जी कि जो मैं कह रहा हूँ हमने किए हुए ताकि इससे याद आ जाए. हयात है जो इल्म व फजल से मुतालिक शख्सियत. हाँ, जर्नलिस्ट है वो. पूछ लें. Is he a journalist? No, sir. Journalist नहीं है. Professor है, researcher scientist है. कोई scientist हो सकता है. वो scientist जिसने वो virus पे cell पे क्या किया था, cell को. That guy who is very old should be dead by now. आज से कुछ साल पहले तो 90 something का था. Nobel prize जिसको मिला था. Nobel वो जिसने सेल की स्टडी की थी. साइंस पूछ लेना. या ताल्लुक साइंस से है भैया? नो सर. इल्मो फजल से है और जिंदा है. कौन सी शख्सियत है जी जो हम कवर कर चुके हैं? कितने सवाल हुए जी? 13. एक जज हमने किया था वो फ्रैंक. हाँ, उसका इल्मो फजल से ताल्लुक तो नहीं ना. वो तो सियासत और हुकूमत है. इल्मो फजल वो जो अपना इसका था इटालियन बैकग्राउंड का है. हाँ हाँ. कैप्रियो क्या था वो? डी कैप्रियो.
फ्रैंक डिकैप्रियो, वो बंदा जिसने दो पाकिस्तानी मारे थे, वो भी कंट्रोवर्शियल है वो तो भाईजान। हाँ। कंट्रोवर्शियल है वो, ये इल्मो फजल इसकी पहचान है। क्यों जी? जी सर। वजह शोहरत इल्मो फजल है? जी सर। जर्नलिस्ट नहीं है? नो सर। ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज नॉट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट भी नहीं है, कोई रिसर्च। चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की इज अलाइव? यस, लेकिन ये जीना भी क्या जीना है? क्यों? जरा ही वेरी ओल्ड। नहीं ये तो कोई बात ना, लेकिन जिस तरह वो जिया है वो बड़े बाकमाल तरीके से जिया है। वो एरिजोना पढ़ाता है? अभी एरिजोना में है वो, MIT में टेनियर्ड प्रोफेसर थे। हु एल्स? नोम चॉम्स्की। द यूजुअल सस्पेक्ट्स में तो यही है टॉप। यूजुअल सस्पेक्ट्स में नोम चॉम्स्की, आई वुड प्लेस हिम ऑन द टॉप। अच्छा साइंस तो है ही नहीं, साइंस निकल गया, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या ख्याल है? हाँ वली साहब, बहुत बड़े लिंग्विस्ट। जी सर। यस चॉम्स्की। एंड एरिजोना में पढ़ाते हैं इस वक्त? जी सर। आर्ग्यूएबली द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी? बिल्कुल सर। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की।